हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी मसालेदार परवल की सब्जी। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है परवल, 1.5 किलो मैंने परवल लिया है। इसे मैंने 2 बार धो लिया है, तो अब हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर का भाग कट करेंगे और नीचे का, और इसे बीच में से भी कट कर लेंगे, अंदर देख लेंगे अच्छा है। इसके बाद हम दूसरा कट करेंगे, तो परवल को मैंने कट करके ले लिया है। तो चलिए अब हम मसाला तैयार करें। कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक और लहसुन। 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। 1 मिनट हमने लहसुन और अदरक को पका लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी खड़ा धनिया 1 बड़ा चम्मच। एक कटा प्याज डालेंगे। प्याज के साथ मैं इसे 2 मिनट तक पकाऊंगी लो फ्लेम पे। 2 मिनट हमने प्याज को पका लिया है। अब ऐड करना है थोड़ा सा सूखा किसा हुआ नारियल और थोड़ा सा भुना हुआ सिंगदाना। बस हम इसे 30 सेकंड तक अच्छे से मिला के पकाएंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और इस मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर रही हूँ। तेल गरम होने के बाद हमने जो परवल को कट किए हैं इसमें हम डाल के इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके पकाना है। परवल हमारे अब पक चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से और अंदर से भी ये पक चुका है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। इसे मैं पेपर नैपकिन पे निकालूंगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी कढ़ाई में मैं सब्जी बनाऊंगी, तो इस तेल को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, तेज पत्ता, 2 लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, 1 इलायची और 2 सूखी लाल मिर्च, और डालेंगे पिंच ऑफ हींग। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये हमारा तैयार किया हुआ मसाला। मसाला हमारा पहले से भुना हुआ है तो हम इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस 1 मिनट के लिए भुनेंगे। अब इसमें डालना है 1 टमाटो जिसका मैंने प्यूरे बना लिया है, मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी पाउडर मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मिक्स कर लेंगे। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट तक हमने मसालों को भून लिया अच्छे से, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, मिक्स कर लेंगे।
और अब हम इसमें फ्राई किए हुए परवल को भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। परवल के साथ मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 6 मिनट हो गया है, अब परवल की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है मसालेदार। एक बार हम परवल को चेक कर लेते हैं ये पका है या नहीं, तो नाइफ डाल के मैं चेक करूंगी। ये पक चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली चला गया है चाकू से। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे मैं गर्मा गर्म सर्व करूंगी। परवल की टेस्टी और मसालेदार सब्जी बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना बहुत आसान था और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।